नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा के स्टार रेडर मेसी से, और जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ बहुत से ऐसे दर्शक जुड़े हुए हैं जो कि खेल जगत से नहीं जुड़े हुए, किसी अन्य जगत से हैं, तो उन सभी को हम परिचित करवाना चाहते हैं हरियाणा के स्टार रेडर मेसी जी से। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत स्पोर्ट्स लाइव में और द चर्चा में। हम सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे कि मेसी, जो आपका आपको प्यार से बुलाया जाता है, तो आपका फुल नेम क्या है? राम राम भाई साहब, सभी कबड्डी प्रेमियों मेरे हाथ जोड़कर राम राम। मेरा सही नाम भाई संदीप कुमार है। संदीप कुमार जी, आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम फतेह सिंह है, माता जी का नाम भाई रानी देवी है। आपके शरीर से पता लगता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपका शरीर उसकी गवाही देता है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी हाइट और वेट फिलहाल कितना है? भाई साहब, मेरी हाइट है 5'10" और इस टाइम वेट हमारा 102। तो अभी जैसे कि लॉकडाउन की वजह से सभी का लगभग काम जो है ठप एक तरीके से हुआ है, तो खिलाड़ियों के लिए तो खासकर ये चीज़ रहती है कि निरंतर अभ्यास ज़रूरी होता है अपने खेल को निखारने के लिए। तो आपकी प्रैक्टिस में फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से कितना, क्योंकि जिम वगैरह भी सभी बंद रही हैं, तो कितना इसके अंदर आपको रुकावट आई, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और कितना आपका खेल प्रभावित हुआ है लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से? लॉकडाउन में भाई साहब मामला कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लॉकडाउन में मैंने 26 किलो वेट कम करे हैं। एक्सरसाइज तो फुल तैयारी करी भाई लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन की वजह से आपके खेल में इतना कुछ रुकावट नहीं आई, निरंतर अभ्यास आप करते रहे। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस खेल में, सर्कल कबड्डी में, आपके गुरु कौन रहे हैं जिन्होंने आपको तराश कर, आपको निखार कर इस खेल का एक स्टार खिलाड़ी बनाया है? गुरु तो भाई साहब एक रामनिवास पहलवान है गांव का, और एक मारा प्रवीण पहलवान है। रामनिवास जी और प्रवीण पहलवान जी तो आपके गुरु रहे हैं, तो किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है जब आप इस खेल को शुरू कर रहे थे? मतलब एक कहने का मतलब है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस खेल के लिए? प्रेरणा भाई साहब प्रवीण था यू, जो हमारा रेडर है जी, आर में खेल लिया था यू, यू ले आया था गाँव में कबड्डी में। एक कुश्ती के नाम से गांव ये फेमस है, जाना जाता है कुश्ती के नाम से, कुश्ती के गांव में कबड्डी के लिए इंटरेस्ट कहां से पैदा हुआ? कबड्डी का इना प्रवीण नहीं करे भाई साहब, यू आर में खेल लिया 7-8 साल। फिर इना गांव में माम भी जिम जम मारे करा थे, ग्राउंड में चले जाओ थे, एक दिन इन लत्ते कटवा के माम कबड्डी खिला दिए, फिर उस दिन तो हम रूटीन में खेलने लगे। तब से आपकी कबड्डी की एक तरीके से शुरुआत हुई। तो अभी फिलहाल के समय जो कोरोना का दौर रहा है, उस दौरान आपने अपने शरीर के लिए क्या स्पेशल डाइट बनाकर रखी कि आपका जो शरीर है प्रॉपर अब उस अभ्यास के दौरान वंचित ना रहे उस डाइट से, और पूरा आपकी जो पावर खेल के दौरान लगती है वो मेंटेन रहे, क्या आपने डाइट में? तो भाई साहब बादाम है, घर का दूध घी है, मेडिसिन कुछ नहीं यूज करे एकदम, बस और खबरते हैं वेट लॉस करे। तो एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जैसे खेल जगत में ऐसा बहुत सा होता है कि डोप के अंदर बहुत से खिलाड़ी फंसते हैं, और बहुत से खिलाड़ी जो नए नए इस फील्ड के अंदर आते हैं और एक एक्सपर्ट भी करने लगते हैं, नशे की दुनिया में जाने लगते हैं, तो नशे से आपका कभी आमना सामना हुआ है, या आपने अपने आसपास के दोस्तों को कभी देखा हो, या आपका उनको देखकर मन किया हो कि मैं भी इस तरीके से एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए नशे का इस्तेमाल करूँ? नशे के तो भाई साहब मैं तो कहूँ, अर मैं भी खेल लिया, मैं खरक मैं भी खेल लिया, मैं प्लेयर भी नहीं कर सकते, मैंने कोई यू इंजेक्शन लाया हो, टैबलेट ले, मैंने कभी चिकना भी नहीं लाया। ओके।
जब आपने इस खेल की शुरुआत की तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इस खेल की शुरुआत में? क्योंकि जब भी हम एक नींव डालते हैं किसी काम को शुरुआत करने की, तो उसमें हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको किन किन समस्याओं का सामना? समस्याएं तो बहुत थी भाई साहब। उस टाइम तो हमारे पास गाड़ी किराए के रुपये भी नहीं थे, 100-100 रुपये बटले कराया करना थे, किसी 70 भी थे, किसी 100 थे, 20-20 रुपये भी इकट्ठे करे गाड़ी खतर। तो परिवार का कुछ सहयोग? हाँ, परिवार का फुल सहयोग रहा भाई, परिवार ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ दी। तो एक खेल जगत को फिलहाल के समय बहुत से अभावों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्हें सरकार की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आपको क्या लगता है कि आप जो खेल है सर्कल कबड्डी, इसको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिल रहा है या क्या सहयोग इसमें उनको मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है? सरकार की तरफ तक कोई सहयोग नहीं मिल रहा भाई इसमें। प्लेयर ने सब तक बेस्ट तो जॉब है। सब प्लेयर नॉर्मल परिवार का है, लगभग गरीब परिवार का है। वहाँ 2-4 साल खेले, पाछे टूट जाए, उन पर पीछे नहीं होते इलाज के, इलाज के पीछे नहीं होते भाई। और तो खेल की तैयारियों में किसी प्रकार का सपोर्ट सरकार का होता है नहीं होता कि उनके लिए, जैसे खिलाड़ियों के लिए डाइट उपलब्ध करवाना या उनके ना, कुछ नहीं होता भाई, अपने घर तक करना पड़ता है। ऐसा सुनने में आता है कि हरियाणा के बहुत से जो खिलाड़ी हैं वो पंजाब की तरफ रुख करते हैं, तो ऐसा क्या है पंजाब की तरफ या हरियाणा और पंजाब की जो कबड्डी है उसमें क्या फ़र्क है, क्यों हरियाणा के खिलाड़ी पंजाब की तरफ ज़्यादा जाते हैं? पंजाब में भाई साहब प्लेयर ने सब डालता सपोर्ट करें, रुपये तो भी सारे सौदे, मान सम्मान बढ़िया मिला है, और चोट फेट होना बहुत कम लग गया, क्यों वह कंची नहीं मारते ऊपर तो रोक हैं। और अपने तो पाछे ही कंची मार दिया, तोड़न पर ज़्यादा चल, इसलिए उड़न जाओ। तो एक इस खेल के प्रारूप में जैसे आपने जो देखा है, जिस तरीके से सिस्टम होता है खेल का, जो रूल्स रेगुलेशन है फिलहाल के समय, तो आप क्या चाहते हो कि किस तरीके का इसमें बदलाव हो या इस खेल को आप किस स्तर पर देखना चाहते हैं कि एक अच्छे लेवल पर एक इंटरनेशनल इसके जो खेल इंटरनेशनल इसके जो गेम्स हों पूरे प्रॉपर तरीके से, क्या इसके अंदर आप बदलाव चाहते हो? बदलाव किस तरीके के चेंजेस? बदलाव की सुन ले भाई, बदलाव तो यहाँ दो रड़ाम करें जो करें। एक तो यू खत्म होना चाहिए, एक रड़ाम होना चाहिए, इसमें टीम भी सारी ये हुए सारी बढ़िया बना है, दो रड़ान में टीम भी 5-7 बना है। तो एक ऐसा भी सुनने में आता है बहुत सा खेलों के अंदर फिक्सिंग का जो मामला होता है, तो आपको क्या लगता है, आपने अपने अपने सामने आपने अपने करियर के दौरान ऐसा कुछ देखा हो कि कोई मैच फिक्स रहा हो, इस तरीके का कुछ कभी आपने देखा? फिक्स भी भाई बतेरे कर रहे हैं पैसा, लेकिन मामला नहीं करेगा कभी भी। ओके, इसे ऐसे भी ऑफर आए हैं, एक कच के भाई सारा इनाम तिरता दे देंगे, कच खा ले, फिर हम नौ नहीं करें। यार मैं खेल रहे थे, सेमीफाइनल मैच था हरियाणा सारे बेरा, एक एक कच के 20-20 हज़ार रुपये भी देंगे। हाँ, फिर मारना भाई। ठीक है, तो एक और चीज़ की इस खेल में जो कबड्डी का खेल है, आपका फेवरेट कोई ऐसा मैच रहा हो जिसको आप सबसे यादगार मैच अपनी ज़िंदगी का मानते हो कि उस दिन मुझे खेलकर मतलब एक मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हैं कि इस तरीके का कुछ हुआ कि आनंद आ गया उस मैच को खेल के, कोई यादगार मैच रहा? हाँ, यादगार मैच है भाई, बरसाना थे 2011 या 12 मैर में खेल रहा था जी। उस टाइम फरमाने गेला था हमारा फाइनल मैच, उस टाइम मैं नॉन स्टॉप रहा था, मित्तू भाई के एक लग गई थी। हाँ, उस टाइम यूजडेवाड़ा मंत्री था, नाम तो है इसका सुल्तान सिंह जडोड़ा, नंबर नौकरी का भी वो करा था। हाँ, सब तो यादगार मैच हो भाई। पर एक ऐसा भी कई बार ज़िंदगी में आता है जब हम किसी सफ़र पर चल रहे होते हैं कि उस बहुत सी सारी परेशानियों को देखकर हमारा मन भर जाता है और ऐसा लगता है कि नहीं बस और नहीं, इस चीज़ को मैं यहीं छोड़ देता हूं। तो ऐसा किसी मैच में इतना दुखी आप हुए हों कि जिसको देखकर बहुत सारी, जैसे फिक्सिंग लगा लो, नशे का लगा लो, या कुछ भी किसी भी तरीके की चीज़ ऐसी समस्या आई हो जिनको देखकर आपका ये मन किया हो कि नहीं बस और नहीं, अब मैं छोड़ दूंगा ये चीज़, ऐसा कभी आया मन में? ना भाई, मैचा के उसका तो आया नहीं, बस एक या चोट के उस्ताद जा, क्यों चोट मरे ज़्यादा लग गई। ओके, सर मेरी टांग टूटी, फिर मैंने रिकवरी करी, 2 साल बाद फिर मेरा ही गोड्डे में लगी, फिर खेल लिया मैं 6-1 महीने प्रैक्टिस करके, दोबारा फिर उससे गोड्डे मुंड लगी, फिर बुढ़ का बढ़िया तैयारी कर रहे हैं खेला में भाई। फिलहाल अभी रेस्ट पर चल रहे थे, तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग्स हैं इस गेम को लेकर, कब आप वापसी कर रहे हैं? वापसी भाई मैच शुरू होने दे, वापसी अभी इसके साथ। हाँ, आपने कबड्डी खेल की शुरुआत किस एज में की थी? कबड्डी खेल के भाई 17 साल में करी, 17 साल का था जी खेल। तो किन कारणों की वजह से आपको बीच में छोड़ना पड़ा था, कहें कि एक छोड़ना नहीं कह सकते, एक रेस्ट आपको बीच में लेना पड़ा था, किन कारणों की वजह से? रेस्ट तो भाई मेरी टांग टूट गई थी। ओके, फिर रेस्ट हो गया,
फिर दोबारा खेल लिया, फिर गोड्डे में लग गई, बस उतार चढ़ाव चल रहे हैं। इस खेल में आपके फेवरेट रेडर और फेवरेट कैचर कौन है? रेडर तो भाई बिल्लू मुंड था, बजिंदर। फिलहाल के समय में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उस इस दौरान फिलहाल आपका फेवरेट रेडर और कैचर कौन है? रेडर तो भाई हैं, दो तीन ने चल रहे हैं, रवि देव रहा है, रिंकू खराटी, अरविना, और कैचर यू अपना सोनू मान लाम। तो ठीक है, और जो युवा इस खेल के अंदर आना चाहते हैं, कबड्डी में अपना करियर देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से तैयारियां करें इस खेल के लिए, अपने आप को किस तरीके से फिट रखें? भाई तैयारी तो बिना मेडिसिन तो खेलना होता है, जो नहीं अपना घर है ठीक भाई, देसी दूध घी खाओ अपना राहुल जी। कबड्डी के खेल में आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं, क्या क्या उपलब्धि अभी तक आपने प्राप्त की? उपलब्धि तो भाई उस टाइम तो यहाँ ही थे, अभी इनाम में था यूँ फर्स्ट सेकंड का, बेस्ट तो यहाँ ही थे 11,000 गणे तो गणा 5131 यहाँ चल रहे थे भाई। ठीक है, सरकार की तरफ से कभी आपको नौकरी के लिए आश्वासन मिला हो और फिर नौकरी ना दी हो, ऐसा कुछ कभी बना हो? हाँ भाई दो बार दिया आश्वासन, एक बार तो गाँव में दिया हमारे, एक बार बरसियाना सुल्तान सिंह जडोड़ा ने, तो उसके बाद मिली नहीं जो? ना कुछ नहीं मिली भाई। हरियाणा का सबसे पसंदीदा या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल कबड्डी है, तो इसके आयोजकों को और कमेटी को आप कुछ संदेश देना चाहें या कुछ इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहें? भाई जो कमेटी खेल करवा शुरू में तो न एक दिन का करना चाहिए खेल, हरेक मल्याम करना चाहिए, इनाम चाहे घट रख दो, टीम मत कराया बढ़िया देना चाहिए, बल्कि छोटी टीम मत ज़्यादा देना चाहिए। हाँ स्टार टीम मन तो वही है, इनाम अपना ठावे हूँ तो उनका तो क्या ही होता ही नहीं, छोटी टीम मत कराया बढ़िया देना चाहिए, किराया मिलेगा तुम आगे खेल लेंगे, किराया इनाम मिलेगा तुम ना भाई छोटा नहीं पड़ता कबड्डी, एक मैच में टीम का लगभग 8-10,000 रुपये खर्चा आ जाए एक टूर्नामेंट का, अगर उनका और खर्चा इनाम मिलेगा तुम्हें खेल लेंगे कुकर। अरे इस खिलाड़ी तो भाई सारे मीडियम फैमिली था, सब गरीब परिवार था। एक खिलाड़ी होने के नाते आप हमारे चैनल के थ्रू सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहें, कुछ प्रार्थना करना चाहें कि क्या आप लोगों की कुछ मांग है सरकार से, और जो आप लोगों को अभी तक वो हक नहीं मिले हैं, कुछ मांग हमारे चैनल के थ्रू आप सरकार के सामने रखना चाहें? सरकार तो मांग तो यह है भाई, कम से कम इस खेल ना आया देखो, अगर जाऊँ ना कुछ बड़ी अलग नौकरी दे दो, नहीं अपना टाड़ मारूँ मैं, देखते भी कौन ही आएगा ना। तो हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा के माध्यम से आपने देखा कि मेसी पहलवान का आज इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, और देखा कि किस समस्याओं से, किन आर्थिक समस्याओं से कह सकते हैं, या फिर जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता, उन समस्याओं से पहलवान किस तरीके से गुजर रहे हैं, और खिलाड़ियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो सब आपने खुद मेसी पहलवान के ज़ुबान से सुना। और सरकार को चाहिए कि इन खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दे, ताकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम चमका सकें, और सरकार को चाहिए कि इन खेलों को जो है कि बेहतरीन लेवल से और एक अच्छे ढंग से इनका प्रदर्शन करवाया जाए, कंपटीशन करवाए जाएं, और सही तरीके से, और जो नशों की जो चीज़ें बताई हैं खिलाड़ी ने हमें कि किन किन समस्याओं का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ता है इन सब बुरी संगतों की वजह से, और या कह सकते हैं कि बुरी लतों की वजह से, इन सब को लेकर भी सरकार को जागरूक होना चाहिए और खिलाड़ियों के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए, खेलों को लेकर बहुत से बेहतरीन कदम सरकार को उठाए जाने चाहिए, ताकि खिलाड़ियों का जो भविष्य है और खेलों का जो भविष्य है वो सुनहरा हो सके। और मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे चैनल को बहुत से बहुत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो और आप चाहते हो कि इस तरीके के इंटरव्यू अब हम आगे भी आप लोगों को दिखाते रहें, तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन समस्याओं से खिलाड़ी और खेल आज के दौरान गुजर रहे हैं, ये सब सरकार तक पहुंचे और लोगों की नज़र में ये समस्या आए और सरकार इसको लेकर